आज ये स्लब फॉर्म का एक स्प्राउटेड रागी का रिव्यू करने जा रहे हैं। ये बहुत अच्छा फूड है फॉर लिटिल बेबीज के लिए। अप टू मिनिमम एज ऑफ 6 मंथ इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जस्ट इसमें लिखा हुआ है कि कुक इन 2 मिनट्स, ये जस्ट 2 मिनट्स में कुक हो जाता है। ये बहुत अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। इसने प्रॉमिस किया है कि इसमें 0 जंक फ्रूट फूड है। यहाँ पे साइड में इसमें बनाने की प्रोसेस दी गई हुई है, मेकिंग इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि इसमें को बनाना कैसे है। इसमें लिखा मेकिंग इंस्ट्रक्शन में, वॉश योर हैंड, मेक श्योर ऑल यूटेंसिल आर क्लियर क्लीन, बॉइल ड्रिंकिंग वाटर फॉर 5 मिनट टू इंश्योर इट इज़ डिसइंफेक्टेड, ऐड करना है 1.5 कप वाटर और मिल्क एज यू वॉन्ट, एंड ऐड करना है 3 लेवल स्कूप ऑफ पाउडर, एंड देन उसको स्टेयर करना है फॉर 2 मिनट्स के लिए और फीड करना है उसको इमिडिएटली। जैसा कि इसकी प्राइस की बात करें तो इसका प्राइस इसमें मेंशन किया गया है 300 रुपीज़। ये आपको ऑफर में भी मिल सकता है एंड इसके साथ इसमें रागी एक सोर्स, रागी एक रिच फूड है। इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है। इसके साथ एक स्कूप भी दी गई हुई है और इसका पैकेट कुछ देखने में इस तरह दिखता है। चलिए देखते हैं ये बेबी को पसंद आता है कि नहीं। फिल कर लिया है, चलो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सबसे पहले एक वाटर में, एक जार में इसको ऐड करते हैं। इसमें लगभग 1, 2 एंड 3 3 स्कूप ऑफ रागी इसमें ऐड किया है। उसको स्टेयर्स कर लेते हैं ताकि कोई लम्स ना होए। उसके बाद इसको कुक करते हैं जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना बने। वेट, ये कैसे बनता है? सबसे पहले इसको स्टेयर्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई लंप ना बने। देन उसके बाद उसको हीट करेंगे। इसको आप वाटर के साथ भी बना सकते हो, मिल्क के साथ भी बना सकते हैं, एज यू वॉन्ट। अब मैंने इसको ऑन कर दिया है लो फ्लेम में। इसको स्टेयर करते जाते हैं ताकि इसमें कोई लंप ना बने। अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें, देखिए। अब इसको कंटिन्यू स्टेयर करते हैं ताकि ये बर्न ना होए नीचे से। एज यू वॉन्ट आप इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, बट स्मॉल किड्स के लिए आप ना ही ऐड करें तो ज़्यादा बेटर है। इसको कंटिन्यू स्टेयर कर रहे हैं, देखिए इसमें बबल्स आने लगे, बॉयल होने लगा है। जब ये थोड़ा थिक होएगा तो उसके बाद इसको ऑफ कर देंगे और ये रेडी हो जाएगा ईट करने के लिए। ये कंटिन्यू ठीक होता जा रहा है। बड़े बेबी के लिए इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर देते हैं ताकि वो इजली खा सके, टेस्ट उसको थोड़ा।